इसके अलावा आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको शिक्षा विभाग समाचार की पीडीएफ फाइल, इसके अलावा सभी भर्तियों की पल पल की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां और बाकी अन्य भर्तियों की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज 26 जून 2023 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का इतिहास, 26 जून की महत्वपूर्ण घटनाएं, कैरियर कॉर्नर, नई भर्तियां, सरकारी विभागों में निकली भर्तियों में आवेदन का मौका। शिक्षा विभाग से बड़ी न्यूज, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 2, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती चयनितों के दस्तावेज सत्यापन की मांग को लेकर धरना जारी, लेवल 2 मामला। भीषण गर्मी में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 में चयनित होने वाले स्नातक व 2 वर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा के अभ्यर्थियों ने थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए चल रहे ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल करने की मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान बीकानेर के आगे 24 जून से मांग पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्तियों तथा भर्ती वर्ष 2012-13, 16 व 2018 व 2021 निरस्त हुई में भी स्नातक 2 वर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा योग्यता धारक अभ्यर्थियों को थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 2 विषयवार के पद हेतु पात्र मानकर नियुक्तियां प्रदान की गई है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती निजी चैनल के साथ शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का बड़ा इंटरव्यू, भर्तियों को लेकर बड़ा बयान। थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर उम्मीद है आचार संहिता से पहले कर दे, अभी फिलहाल बैन है, शिक्षा मंत्री का बयान। हम अकेले शिक्षा विभाग में आचार संहिता से पहले बेरोजगारों को 1,00,000 नौकरी देंगे, अकेले शिक्षा विभाग में, जिनमें 48,000 पदों पर थर्ड ग्रेड के शिक्षकों को 2 महीने में ज्वाइनिंग दे देंगे। इसके अलावा 6,000 पदों पर पीटीआई का काम चल रहा है, 10,000 पदों पर इंग्लिश स्कूल में ज्वाइनिंग देंगे। इसके अलावा आरपीएससी से काम होने के बाद हम 6,000 फर्स्ट ग्रेड व करीब 10,000 सेकंड ग्रेड शिक्षकों को नौकरी देंगे, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का बयान। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, इसके अलावा सीटी 40% को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, फैसला कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा, हमारे हाथ में नहीं। लाखों पदों में शामिल शिक्षा विभाग का डाटा इसी सप्ताह कार्मिक विभाग पहुंच जाएगा। नई स्कूल व्याख्याता, सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रयोगशाला सहायक लाइब्रेरियन 2 एवं ग्रेड 3 शारीरिक शिक्षक भर्ती समेत अन्य भर्तियां अगस्त में, नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। आरपीएससी एएन भर्ती के लगभग कार्मिक विभाग से 700 पदों की अभ्यर्थना आरपीएससी जल्द भेजी जाएगी, पदों की संख्या भी जोरदार आ रहे हैं, नई आरपीएससी भर्तियां। आरपीएससी 25 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन, असिस्टेंट कॉलेज व्याख्याता के 1913 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से। 48 विषयों के पद भरेंगे, आरपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। इधर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए काउंसलिंग आज से शुरू होगी, अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच के लिए 10 काउंटर बनाए। आरपीएससी 6,000 पदों के लिए 28 जुलाई तक चलेगी प्रक्रिया, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। आरपीएससी प्राविधिक शिक्षा विभाग के इंटरव्यू आज से शुरू होंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। रोडवेज 5,200 पदों पर होगी भर्ती, सिर्फ सरकार की मंजूरी का इंतजार, रोडवेज में नई भर्ती 5,000 से ज्यादा पदों पर। इंटरव्यू की एफएसएल जांच में सामने आई सुरेश बिश्नोई के फर्जीवाड़े की हकीकत, 8 साल पहले फर्जी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाकर कांस्टेबल बना
युवक गिरफ्तार चित्तौड़गढ़। गिरफ्तार कांस्टेबल। शिक्षा निदेशक के मदरसा 6843 पदों के लिए भर्ती विज्ञप्ति अगले महीने निकालेंगे चौबदार झुंझुनू। भास्कर न्यूज ब्रीफ। 13 साल बाद आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पदों पर बंपर भर्ती जयपुर। पीटीटी पंजीयन शुरू, 5 जुलाई तक जमा करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन शुल्क स्वीकार। सीएस सिलेबस में बदलाव, जुलाई से 2 साल की होगी आरटी कलसी, 10वीं पास ले सकेंगे फाउंडेशन लेवल में एडमिशन। कैलेंडर जारी, आज से खुलेंगे स्कूल लेकिन पढ़ाई 1 जुलाई से ही होगी बांसवाड़ा। स्कूल आज से शनिवार को 9 बैक डे रहेगा भरतपुर। भास्कर न्यूज ब्रीफ। सीआरपीएफ भर्ती के प्रवेश पत्र जारी, पशु चिकित्सा भर्ती 900 पदों पर इंटरव्यू। वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय की परीक्षा 27 से। पीटीटी का परिणाम जारी। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में यूजी प्रथम व पीजी पर प्रीवियस के स्टूडेंट्स को नई शिक्षा नीति के आधार पर ही मिलेगा प्रवेश जोधपुर। माध्यमिक शिक्षा में हर खेल के 50,000, प्रारंभिक में सिर्फ 20,000 से 25,000 का बजट, पिछले साल दिया ही नहीं जोधपुर। जवाहर नवोदय विद्यालय 6 में प्रवेश के लिए 10 अगस्त तक आवेदन नागौर। प्री डी एल एड परीक्षा का शेड्यूल अगले सप्ताह तक जारी होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जुलाई में, परीक्षा अगस्त में होगी बीकानेर। नए शिक्षा सत्र, राज्य से 8वीं तक सत्र पर्यंत होंगे एडमिशन। 9वीं से 12वीं कक्षा में प्रवेश 15 तक बीकानेर। शिक्षा विभाग। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ने 12 जून को जारी अपने सभी आदेश निरस्त किए, असमंजस में लाखों छात्र। सहकावाटी। भास्कर न्यूज। महात्मा गांधी स्कूलों में 24 से शुरू होना था प्रवेश का दूसरा चरण, पोर्टल अपडेट नहीं, 600 प्लस स्टूडेंट्स निजी स्कूलों में गए। नए सत्र में 240 दिन खुलेंगे स्कूल, 126 दिन रहेगा अवकाश। नवज्योति भीलवाड़ा। शिविरा पंचांग। नए सत्र मध्यावधि अवकाश 7 से 19 नवंबर में, वार्षिक परीक्षाएं 8 से 25 अप्रैल तक। श्रीगंगानगर। संदेश न्यूज़।